So guys, hello and welcome. So the most requested topic of 10th standard is here. Okay, तो ये है Pythagoras theorem chapter. तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, Pythagoras जो है 10th standard का SSC State Board महाराष्ट्र का. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, अभी technical गुरुजी नहीं but हर शुभलीगर. Okay, तो अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं second lesson Pythagoras theorem. तो ये जो लेसन है आपने शायद 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, बेसिकली 5th के 7th में कुछ है आपको, उसके बाद से आप पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आपको अच्छा खासा पता है व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम. तो व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, अभी एक सिंपल आपको मैं बताता हूँ. ठीक है, अभी ये क्या है, एक बिल्डिंग है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये है बिल्डिंग. ओके, तो ये क्या हो गया, हाइट, ये हो गया हाइट. ओके, एंड ये जो है यहाँ पर बिल्डिंग का जो बेस है वो है, मतलब बिल्डिंग के सामने जो घूमने फिरने का अपार्टमेंट रहता है जिसपे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेस है ना. एंड अभी हमें क्या करना है, बिल्डिंग का एंड जो बिल्डिंग का जो टेरेस है उधर से लेके जितना हमारा बेस है यानी जितना बड़ा ग्राउंड है उसका हमें क्या गिनना है, हाइपोटेनस गिनना है. ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस. ओके, तो ये जो हाइपोटेनस है ये इसको हम क्या कहते हैं, अभी इसके हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं. तो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस ये जो टेरेस है इसका एंड जो ग्राउंड का जो एंडिंग है वहाँ से एंड टेरेस जो है उधर से उधर तक का हमें क्या बताता है, ये बताता है. तो ठीक है, आप यही छोड़ दो. अभी एक और एक सिंपल एग्जांपल है. तो अभी यहाँ पर क्या है, हमारा ट्री है. ओके, यहाँ पर क्या बैठा है, क्या बैठा है, एक कौवा बैठा है. ओके, यहाँ पर एक कौवा बैठा है. ओके, ये कौवा बैठा है यहाँ पे एंड यहाँ पर कौवा बैठा है, ये ट्री है, ये है एंड यहाँ पर कुछ गिरा हुआ है उसके खाने का पसंद का. ठीक है, यहाँ पर सपोज एक फ्रूट है, एप्पल है. ओके, तो ये क्या हो गया, ये कौवा है. अभी हमें क्या बताना है, यहाँ पर कौवा एंड ये जो फ्रूट है इसमें का डिस्टेंस क्या है. ठीक है, तो ये हम कैसे बताएंगे, तो ये बताने के लिए आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे एक टेप लगाओ, यहाँ पे टेप लो, यहाँ पर यहाँ तक देखो एंड फिर उसको टेप लेके मापो, पेड़ पे चढ़ो, उतना झंझट मारी कौन करेगा. इसलिए ये जो साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम निकाला वो जो है वो क्या किया उन्होंने, उनका नाम पाइथागोरस है एक्चुअली जिन्होंने निकाला पाइथागोरस. ठीक है, मेरे को पूरा नाम याद तो नहीं आ रहा बट उन्होंने पाइथागोरस निकाला इसलिए उनका चैप्टर का नेम ही पाइथागोरस थ्योरम है. ओके, तो यहाँ पर क्या है, अभी उन्होंने क्या किया बेसिकली कि एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिससे हमें ना चढ़ बिड़ के देन यहाँ से यहाँ तक ये रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि टेप लो यहाँ से इतना गिनो. तो उससे अच्छा उन्होंने क्या आइडिया निकाला कि जो चीज़ है जिस पे जो हाइट है, ठीक है, वो हाइट लो, हाइट गिनो, हाइट कितनी होगी, सपोज ये पेड़ की हाइट इमेजिन 5 फीट. ठीक है, 5 फीट तो बहुत कम है बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ 5 फीट एंड यहाँ पर जो है इसका भी 5 फीट, 5-6 फीट पकड़ लो, 4 फीट पकड़ लो. ओके, तो ये जो है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला इन्होंने निकाला. ओके, ये आपको याद रखना है. ठीक है, तो अभी जब आप एग्जाम में बैठोगे एग्जाम में तो बैठोगे तो याद रहेगा ऑफकोर्स, एग्जाम के बाद भूल जाओगे. एंड अगर कोई आपको पूछेगा कि पाइथागोरस क्या है तो जल्दी से आपको एक पेड़, कौवा और एक फ्रूट को याद कर लेना है, आपके दिमाग में फुल पाइथागोरस सेट. ओके, तो पाइथागोरस सॉल्व करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है उसे हम क्या कहते हैं, हाइट स्क्वायर इज हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. हाइपोटेनियस स्क्वायर. ओके, तो यहां पर ये एक बेसिक फॉर्मूला है, हाइट स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर एक मैं फिगर बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये 3 है, ये क्या हाइट इज 3 एंड बेस इज 4, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या होगा 5। आप कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल एंड ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एंड नॉट फॉर ऑब्टूज एंगल एंड एक्यूट एंगल, ठीक है, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नहीं तो कल देखूंगा मैं पेपर में कि अरे बच्चा तो यहाँ पर एक्यूट एंगल पे क्या कर रहा है, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहा है। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ओके, तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर, इतना याद रखना है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, वो हाइपोटेनियस जो होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, वो जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें का हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना घिचमिड़ हो रहा है ना, तो एक सिंपल स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसका जो बेस एंड हाइट है वो हाइपोटेनियस से छोटा होगा, समझा। इट मींस कि ये एंड ये, इससे बड़ा हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। अगर आपने कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया जिसका हाइपोटेनियस 5 है, इसका ये 6 है, ये 7 है या फिर 3 है, एक साइड भी हाइपोटेनियस से बड़ा है, तो समझ लो ये बहुत बड़ा गलती है जो हमें दिखाया हुआ है, या फिर एग्जाम पेपर में आ जाएगा, या फिर टीचर लोग ऐसे जानबूझ के बोलेंगे, तो अब टीचर को ऐसे पॉइंट आउट कर देने का, टीचर हाइपोटेनियस से बड़ा तो बेस और हाइट हो ही नहीं सकता, उससे क्या होगा आपका इम्प्रेशन बढ़ जाएगा, ओके, टीचर के दिमाग में इम्प्रेशन बढ़ जाएगा, ओके, क्लास में नहीं। बहुत चातिर हो तुम लोग। तो अभी आपको इतना बेसिक समझ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो अभी हम क्या देखते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे, ओके। तो लेट्स स्टडी, हम इसमें ये जो लेसन दिया है इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये क्या है, ये तो अपने 7th में किया हुआ है, किया है ना, याद आ रहा है क्या, देखो याद कर लो, अच्छा पड़ेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, ओके। उसके बाद क्या देखेंगे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड अपोलोनियस थ्योरम, ये हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ओके। तो बढ़ते हैं आगे, लेट्स रिकॉल, ये आपने पढ़ा है इसलिए यहाँ पर है लेट्स रिकॉल। तो ये आपने बहुत पहले ही पढ़ा है 7th में या 8th में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या है पाइथागोरस थ्योरम। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसको अंडरलाइन कर लो एंड याद कर लो, बिकॉज ये आपको पूछेंगे किसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में, ओके। तो अभी इन्होंने क्या कहा है बेसिकली, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस हाइट प्लस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन ये आपको याद रखना है, जल्दी से याद कर लो, 2-3 बार पढ़ लो अच्छे से। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं, पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। तो अभी यहाँ पर क्या दिया है आपको, ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है इज 90 डिग्री। लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर, क्यू बिकॉज दिस इज हाइट एंड बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। ये क्या है, क्यू आर हाइट स्क्वायर, पी क्यू क्या है, बेस है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, पी आर इज हाइपोटेनियस, ओके। वी विल राइट दिस एज
पी आर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर बेस जो है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ पी क्यू क्यू आर एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैन बी शोन बाय लेटर आर पी एंड क्यू। ठीक है, एंड इसका जो लेंथ है ये किससे दिखाया जा सकता है, लेटर आर पी एंड क्यू। विद दिस कन्वेंशन रेफरिंग टू फिगर 2.1, ये है 2.1 सेकेंड लेसन का फर्स्ट फिगर, पाइथागोरस थ्योरम कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो है तो इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, ये जो लेंथ है पी क्यू ये है, क्यू आर ये है एंड पी आर ये है, तो इनको हम किस तरह से बुला सकते हैं, पी क्यू को हम बुला सकते हैं आर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये लाइन सेगमेंट को यहाँ से यहाँ तक आर बोलेंगे, एंड देन क्या बोला है क्यू आर, क्यू आर को हम क्या बोलेंगे पी बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक पी, एंड इसको हम क्या बोलेंगे पी आर को क्या बोलेंगे, ये लाइन सेगमेंट को क्यू बोलेंगे। ओके, ऐसा उन्होंने यहाँ पर लिखा है, तो इसे हम क्या बता सकते हैं एस क्यू स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेनियस ऑब्वियसली ये स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, एज यू नो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ओके, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि हाइट स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, देन टीचर को जल्दी से आप नोटिफाई कर देना कि ये गलत है। ओके, गुड, तो अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये आता है हमारा लेसन का फर्स्ट पढ़ाव, विच इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो ये तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या होता है, इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कि अभी ये देखो यहाँ पर एक नंबर लिया है, तीन नंबर लिए है पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी थ्री नंबर्स। ओके, यहाँ पर तीन नंबर है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 61। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है 61 इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, इन्होंने ऐसे बोला है। ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अभी यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो बाकी के सम ऑफ स्क्वायर्स है यानी हाइट एंड बेस है उसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो उसे उसका जो इक्वल उसका सेम आंसर मिलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कह सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या दिया है, एग्जांपल दिया है, एग्जांपल यहाँ पर दिया है, मैं यहाँ पर देख के कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इन अ ट्रिपलेट 11 60 61, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, है ना, 11 का स्क्वायर क्या है 121, 60 का स्क्वायर क्या है 3600, 61 का स्क्वायर क्या है 3721। ओके, तो 60 का स्क्वायर क्या है 3600 एंड 61 का स्क्वायर है 3721। अभी यहाँ पर आपको है ना, अगर याद नहीं आता होगा तो आप 61 × 61 करके जल्दी जल्दी से कर लेना। ओके, एग्जाम में बैठोगे तो लास्ट पेज लेना एसएससी वालों के लिए स्पेशली। ओके, सेवेंथ में एट्थ में रहोगे तो साइड में कर देते हो तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, आप अगर टेंथ में हो तो लास्ट का जो पेज होता है उस पर आप यहाँ पर हेड पे रफ पेज लिख दो, रफ वर्क पेज, एंड वहाँ पर जितना मतलब जितना आपको गंदा करना है पेज, यानी गंदा मतलब कि जितना आपको ये करना है रफ वर्क करना है वो आप वहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, 11 स्क्वायर इज 121, 60 का स्क्वायर इज 3600, 61 का स्क्वायर इज 3721 एंड 121 प्लस 3600 इज इक्वल टू 3721। ओके, तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला बोला था 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है बेसिकली। तो अभी अगर इसका एडिशन
ये जो दो नंबर है इनके स्क्वायर का एडिशन इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज कॉल्ड एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, समझा? एक सेंटेंस में आपको बता दिया, एडिशन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेनियस है जी लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर, एंड दोनों का नंबर अगर सेम आता है, जैसे इसका देखो 3600 प्लस 121 करेंगे तो क्या आएगा, 3721 आएगा, है ना, इज इक्वल टू 3721 आया आंसर यहाँ पर भी, तो ये क्या हुआ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ। आई नो एक टॉपिक के पीछे मैं इतना समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि आपको एकदम अच्छे से समझ जाए टॉपिक्स। ओके, एंड आपको कोई डाउट हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर। ओके, द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। अभी यहाँ पर क्या बताया है, इन्होंने रीजन भी दिया है यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको एग्जाम में ऐसे ही छाप देना है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर, ये आपको ऐसे ही छाप देना है, एंड देन देयरफॉर 1160 61 जो ब्ला 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 नंबर दिए इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एंड अगर ये नंबर के स्क्वायर मैच नहीं होते तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। अभी यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वेरीफाई दैट 3 4 5 5 12 13 8 15 17 24 25 7 आ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नंबर्स इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर। ओके, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नंबर आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको ये करके दिखाता हूँ, 3 4 5 वाला है तो मैं आपको 3 4 5 वाला करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर ही कर लेता हूँ, बुक नहीं लूंगा अभी, तो मैं आलसी हूँ बाय द वे, कोई दिक्कत नहीं, तो हाँ भाई कर लो बैकग्राउंड नॉइस। ओके, कर लो, हो गया, चला गया वो, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, ओके, तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25, 3 का स्क्वायर क्या है, 9, 4 का स्क्वायर क्या है, 16। ओके, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एडिशन करके चेक करेंगे, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस देन दिस इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइट एंड द बेस, then this is not Pythagorean triplet, and if the square of the largest number is equal to the height and base then this is Pythagorean triplet। okay, ये याद रखो, and अब 9 + 16 क्या होता है, 16 + 9 करेंगे तो 25 होता है ना, so 25 is equal to 25, ये हो गया, therefore we say 3, 4, 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, तो ये थोड़ा लिख दिया मैंने, आप अच्छे से कर लेना, एंड आज के लिए इतना ही काफी है, एंड आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ, 8 15 17 24 25 7 ये जो है, एंड 5 12 13 ये आप होमवर्क करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, ये छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है आपसे सजेशन सुनने, सजेशन आपके भी अच्छे होते हैं, ठीक है, मैंने पढ़े बहुत सारे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब ठोको, एंड बेल का आइकन क्या करना है आपको, ऑल पे कर देना है। ओके, तो आपको सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे, एंड फ्रेंड्स लोग को शेयर करो वीडियो जल्दी जल्दी, ठीक है, बिकॉज उनका पढ़ाई भी हो जाएगा अभी अभी,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। एंड ये जो था पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का पार्ट वन था, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल करेंगे, ओके। देन उसके बाद हमें प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 भी करना है, ठीक है, तो ये हम आराम से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ, ओके बाय।